एक दुल्हन तीन दूल्हे, हैरानी की बात है ना। इस प्रथा के अनुसार एक परिवार के सारे भाइयों की शादी केवल एक महिला से ही की जाती है। नतीजन उस महिला के दो, तीन या फिर कभी कभी छह पति भी होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस प्रथा की वजह से आगे होने वाले संपत्ति और जायदाद संबंधी झगड़े टाले जा सकते हैं, और तो और कुछ लोग इसे आबादी नियंत्रित करने का जरिया भी मानते हैं। ये प्रथा यहाँ युगों से चली आ रही है और आम तौर पर किसी को इससे कोई एतराज नहीं है। प्रथा के अधीन हर महिला से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना समय, अपनी लगन, अपना प्यार संतुलित तरीके से सभी पतियों में बांटे। दीपू भी इन्हीं महिलाओं में से एक थी। बनाया आज? साग बनाया है तेरे लिए। आज बड़ी जल्दी आ गया तू। अच्छा, रकम जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, मैं आना है। हाँ ठीक है, मैं रोटी बनाती हूँ। जी चलो। क्या? अभी चलो। नहीं मैं जा रही। चलो नहीं नहीं मैंने खाना अभी नहीं, मैं जा रही हूँ। बस 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 चलो चलो। हाँ अभी चलो। हाँ 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 अभी अभी।
मैं करा कुछ? ना ना मैं कर लूंगी पुत्र। सो ओहो अच्छा चल ये प्याज काट ले। चला जारी, जारी, जारी। अभी बस मम्मी जी मैं कर देती हूँ। नहीं ये हो गया तू रोटी बना ले ठीक है। लो जी आगे चाह। नहीं लीजिए ना मुझे पकड़ा। ये लो भाई साहब का फोन आया। भाई साहब का फोन। हेलो जी भाई साहब क्या हाल सब ठीक? सब ठीक सब ठीक। और माँ कैसी है? और सुमी? अरे कहा ना सब ठीक। अच्छा सुन ने खुशखबरी है अपनी सुमी का ब्याह तय हो गया। ब्याह सुमीदा? तू कब आएगी? कल आ जा। कल जी वो मैं इनसे पूछ के आ जाऊंगी। हाँ हाँ यही कह रहे हैं। ठीक है फिर कल आ रही है। दीपू की ही तरह सुमन की भी इसी प्रथा के अनुसार शादी होने वाली थी लेकिन तीन से नहीं छह भाइयों से। इस समाज की अन्य महिलाओं की तरह सुमन भी बचपन से ये जानती थी और मान चुकी थी कि एक दिन उसे भी इस प्रथा को स्वीकारना होगा और वो दिन आ चुका था। लड़की को बुलाओ। दीपू जा सुमी को बुला ला। जी भैया। भैया तो तैयार नहीं हुई? वो जा जल्दी जाके तैयार हो। पंडित जी कह रहे मुहूर्त का टाइम हो रहा है। भैया मुझे ये ब्याह नहीं करना। पागल हो गई है? बोल क्या रही है? भैया छह आदमियों से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। ये क्या बोल रही है? नैनी जी बच्ची है ना शायद घबरा गई होगी। कोई नहीं सब ठीक है तू जा तैयार हो। भैया मुझे ये ब्याह नहीं करना। बहुत जलील किया जी आपने। जब इसको शादी करनी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया? ना हम यहाँ आते और ना इस तरह इस लड़की के हाथों बेइज्जत होते। ये अच्छा नहीं कि आपने हमारे साथ। बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। इस बेइज्जती का बदला तो हम लेके रहेंगे। नहीं जी आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। मैं समझाता हूँ ना इसको। मैं समझाता हूँ। हम समझाएंगे बेइज्जती क्या चीज होती है। सारी बिरादरी में तुम्हारा सर ना झुकाया तो देखना। चलो सब गल होगी। परेशान क्यों है? सब परेशान है सुमी भी। पर नंदन भैया तो बहुत नाराज है उससे। मुझे भी कह दिया कि मैं घर चली जाऊं। कोई ना तू कल की ट्रेन तो वापस आ जा। मैं कल के दोपहर की ट्रेन से चली आती हूँ। चल ध्यान रखिए अपना। क्या कहा? कहती ब्याह कैंसिल हो गया। क्यों क्या हुआ? कहती कल आके ही बताएगी। तो अच्छा है ना कल मैं मार्केट जा रहा हूँ तो लौटते वक्त मैं ले आऊंगा साथ में। अच्छा मैं अभी आता हूँ। इस प्रथा का विरोध कर सुमन ने अपनी शादी तोड़ दी। दीपू अगले ही दिन लौटने वाली थी और उसके तीन पति बड़ी बेचैनी से अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार कर रहे थे लेकिन
जी भाई साहब। भाई साहब ये दीपा पहुंची नहीं अभी तक, निकली नहीं अभी, 4 घंटे अब तक तो आ जानी चाहिए थी। भाई साहब पक्का निकली ना वो? अरे चरण जी मैंने खुद उसे ट्रेन में बिठाया है, अभी तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है आप स्टेशन जाके देखिए, मैं यहां देखता हूं। जी नॉइज़। कितने बजे की ट्रेन में बैठाया था आपने उन्हें? साहब जी 11 बजे की ट्रेन थी। तो याद है कि उस वक्त वो क्या पहनी हुई थी? सर अच्छी तरह याद नहीं पर शायद गुलाबी कलर का सूट था सर जी। और कुछ याद है? नहीं सर, सर बहुत परेशान है सर, एक बहन की शादी टूट गई और दूसरी लापता है। साहब जी कुछ भी करके हमारी बीवी को ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उनका पता लगाने की, और आपको भी कुछ याद आ जाए ना तो कॉन्टेक्ट करिएगा। ओके भाई ने तो ट्रेन में बैठा दिया था सर, जो कुछ भी हुआ है सफर के दौरान ही हुआ है। हाँ हो सकता है। अच्छा पता करो कि उसके भाई ने जो कुछ हमें बताया था उसमें सच्चाई कितनी। आखिर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। जहाँ इस तरह की वारदातें आमतौर पर नहीं होती वहां पर दीपू का गायब हो जाना एक असाधारण घटना थी। बहुत नाराज हुए थे ना शादी टूटने पर? बहुत बेइज्जती हुई थी ना? जी साहब बेइज्जती तो बहुत हुई थी भैया। 6 आदमियों से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। जब इसको शादी करनी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया? इस बेइज्जती का बदला तो हम लेकर रहेंगे। और इसलिए आपने लड़की की बहन को गायब? नहीं साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो अपने बेटों की शादी कहीं और पक्की भी कर दी है। तुमने शादी क्यों तोड़ी? अच्छा शादी टूटने का दीपा से कोई वास्ता? देखो तुम्हारी बहन कई दिन से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। अगर तुम हमें कुछ बता दोगी तो शायद उसे ढूंढने में कुछ मदद मिल जाए हमें। उसके कहने पर ही तोड़ दिया था मैंने ब्याह। क्या बात है दीदी? कुछ नहीं, तुझे याद है सुमी बचपन में हम गुड़िया की शादी 3 गुड्डों से कराते थे, और फिर वो गुड़िया उन गुड्डों के साथ हमेशा के लिए खुश रहती थी। पर पता है सुमी, असली जिंदगी में ऐसी खुशी सिर्फ बचपन के उन खेल में ही होती है। बचपन के उन खेल में और असली जिंदगी के खेल में बहुत फर्क है सुमी। नहीं होता अब तीनों से प्यार करना, तीनों को खुश रखना, नहीं होता अब उन तीनों की खुशी अब मेरे लिए मौत से भी बदतर हो गई है। कभी कभी जब छूते हैं तो लगता है कि मर जाओ, लाश बन जाओ, दर्द होता है, गेंद आती है। तीन आदमियों से शादी करके मेरी ये हालत है, तो 6 से शादी करना चाहती है? मैंने आपसे झूठ बोला साहब जी, मैंने उसे ट्रेन में नहीं बिठाया था, मैंने तो जाते वक्त उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। उसने मेरी छोटी बहन की शादी तुड़वाई।
उसने सुम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी सर, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, इस करके मैं उससे बहुत गुस्सा था सर, बहुत नाराज था। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अपनी छोटी बहन का ब्याह तोड़वा दिया, तू उसकी बहन है या दुश्मन? चल जा यहाँ से, जा। आप नहीं जानते भैया, कितना मुश्किल है इस प्रथा को निभाना। लेकिन चली आ रही है ना ये प्रथा सालों से, और सब निभाते हैं, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप, और तू भी तो ये प्रथा निभा रही है, फिर इसकी शादी से क्या तकलीफ थी? तकलीफ है भैया, दिन रात सहते आ रहे हैं, पर मैं सुमी को ये सब सहते नहीं देख सकती, उसकी सारी तकलीफ मैं ले लूं, उसकी बड़ी दीदी हूं मैं, इसलिए उसकी फिक्र है, पर आप हमारे बड़े बड़े होने के बावजूद साहब मैं उससे नाराज था, बहुत नाराज था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं सर, वो मेरी बहन थी और शायद इसलिए मैं उससे ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन वो समझती नहीं थी, ये यहाँ के रीति रिवाज हैं सर, हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, सबने ऐसे ही जिंदगी जी है, सभी ने इसी तरह जिया, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था, वो ऐसे नहीं जीना चाहती थी। सब कहीं उसने अपने आप को, उसका पता हम लगा लेंगे, फिलहाल तुम शहर में रहना, जाओ। क्या लगता है सर, ये सच कह रहा था? ये सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा, जब हमें ये पता चलेगा कि दीपा वाकई तकलीफ में थी क्या, और तकलीफ में थी तो वो तकलीफ थी क्या। मिलने से क्या लगता था, कैसी लड़की थी दीपा, उसका स्वभाव कैसा था, घुलती मिलती थी सबसे, बात बात करती थी, कोई दोस्त थे उसके? हाँ साहब, वो खुश रहती थी, हमेशा सबसे मिलती जुलती थी। लेकिन एक दिन, लेकिन एक दिन क्या बताना, ब्याह के बाद? साहब ब्याह के कुछ ही दिन के बाद लड़की घर से भाग गई थी। हाय रब्बा, पता नहीं कहाँ चलेगी ये लड़की। लो आगे दो। सब जगह देखा नहीं मिली। नदी को देखा? भैया माँ भी देख लिया, नहीं मिली। कहाँ चली गई? अरे नहीं मिली तभी तो फोन किया आपको, माँ भी नहीं। अब मैं स्टेशन पे देख के आता। हाँ कहाँ गई थी तू? हाँ बोल। अब तेरी जबान नहीं खुल रही, गूंगी हो गई है, यहाँ सवेरे से सारे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं, कहाँ थी तू? भैया जी घर छोड़ के भाग। कुछ दिन के बाद ही, ठीक है, ऐसी क्या वजह थी कि दीपू ने घर से भागने की कोशिश की थी? सभी यकीन मानिए, हमें तो खुद नहीं पता, पता नहीं ऐसी क्या परेशानी थी उसे इस घर में। बिना वजह तो कोई यूं घर से नहीं भागता, कोई तो तकलीफ थी उसे। सब यही सवाल मैंने नहीं, हम सब ने पूछा था उसे, और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं लगा उसे घर की याद आ रही होगी या जाके मिल आती, इसके लिए उसे घर से भागने की क्या जरूरत थी? क्या आप लोग मना करते उसे? नहीं साहब जी, हम क्यों मना करते, बल्कि वो तो मायके आती जाती रहती थी। फिर क्या वजह थी उसके भागने की, कोई तो तकलीफ जरूर थी उसे। सब जी काश उसने बता दिया होता कि उसे क्या तकलीफ है, असी सब ठीक कर देते। सब जी आप मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से पूछ लीजिए, उस दिन के बाद उसे कोई तकलीफ नहीं है। पहले हमें लगा कि उसे आदत नहीं है, पर बाद में उसे आदत पड़ गई थी। तो जो लड़की पहले भागने की कोशिश कर चुकी है वो फिर से भी तो भाग सकती है, या फिर हो सकता है कि भाई झूठ बोल रहा हो, या फिर उसी ने कुछ किया हो, पहले घर से भाग आई, फिर एक छोटी बहन का ब्याह तोड़ दिया,
बिरादरी में नाक कट गई। भाई को गुस्सा तो आया होगा। हमें खोज का दायरा बढ़ाना हो, एक काम करो, तुम बाकी डिस्ट्रिक्ट के थानों में भी फोटो भिजवाओ। अगर भाग के गई होगी तो जाएगी तो शिमला से ही। तुम पर्सनली शिमला जाओ और वहां के हेडक्वार्टर में जाकर मिसिंग इंक्वायरी की नोटिस फाइल करके आओ, ठीक है? यस सर। हेलो सर, कांस्टेबल एसके शर्मा बोल रहा हूँ, खगेड़ा पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। हमें डेड बॉडी मिली है, जो लड़की लापता है उससे मैच करती है। जी शुक्रिया सर। खगेड़ा में डेड बॉडी मिली है जिसकी शक्ल दीपू की दी हुई फोटो से मैच करती है। पोस्टमार्टम करवाओ। यस सर। कहाँ है मेरी लाठी? देखिए दीपा की लाश को हमें कुछ देर और रखना पड़ेगा, पोस्टमार्टम कर बॉडी हमारे वाले कर दीजिए। देखिए मैं जानता हूँ कि ये वक्त आप पर बहुत भारी गुजर रहा है, इस वक्त हमें हमारा काम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी। मौत गला घुटने से हुई? जी सर। और जेब में ट्रेन के दो टिकट मिले शिमला के। शिमला का दो टिकट? मतलब वो शिमला किसी के साथ जा रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने तो कहा था कि वो अपने ससुराल जा रही है। कुछ तो गड़बड़। ऐसा करो, घर वालों को पूछताछ के लिए फिर से राउंड अप करो। ओके जी सर। आप कहना क्या चाहते हैं? हम क्या करेंगे? आप बार बार हमसे एक ही सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? जो असली मुस्लिम है आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? ठीक है भाभी, जा सकते हैं। या तो इनमें कोई कुछ छुपा रहा है, या कोई ऐसी चीज है जो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या? ये मामला अब गुमशुदगी से मर्डर केस बन चुका था। पुलिस के पास अब भी कोई जवाब नहीं थे, लेकिन उनके सामने सवाल कई थे। दीपू के ससुराल में सभी उससे प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो शादी से खुश नहीं थी। उसने पहले भी भागने की कोशिश की थी, तो क्या उसने फिर से ये कोशिश दोहराई थी? फिर सवाल उठता है उन दो टिकट्स का। आखिर किसके लिए था वो दूसरा टिकट? कौन सफर करने वाला था दीपू के साथ? इन सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने दीपू से जुड़े सभी पर नजर रखी, और आखिर उन्हें वो मौका मिला। मुझे लगा कि मैं नहीं आऊंगा। विक्रम सच बताता है क्या? मतलब छह महीने पहले मैं मीना से मिला था, और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों के लिए मुश्किल था दूर रहना, पर दीपा के साथ उसका ये ब्याह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे ब्याह करेगा, और इसलिए मीना से तेरी शादी नामुमकिन थी। हाँ, लेकिन दीपू अगर रास्ते से हट जाती तो तू मीना से शादी कर पाता। नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए तूने दीपू को सब पता था। उसे पता था कि मैं मीना के साथ छिपकर ब्याह करने वाला हूं।
कितना लंबा दिन था ना आज, थक गया। तुम भी थकी लग रही हो, चलो सोते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थकान तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रही है, चलो सो जाते हैं। सुनिए जी, हाँ? आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है ना, और कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझसे दूर रहते हैं। मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। ऐसा ही है, बताओ ना जी, मैंने कुछ तो जरूर गलत किया होगा। नहीं, वो बस सारा दिन काम में थक जाता हूँ और कुछ नहीं। इतने दिनों से, बताओ ना जी। देखो, तुम गलत समझ रही हो। बात यह है कि एक लड़की है, कुछ दिन पहले मिली थी और हम प्यार कर बैठे। दीपू ने मेरा हमेशा साथ दिया, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त और सारी बातें आपस में बांटते थे। वो मुझसे हमेशा कहती कि मुझे किसी से प्यार करने का पूरा हक है। और तुमने अपने दोस्त को ही मार दिया अपने प्यार के लिए। नहीं साहब जी, मैंने नहीं मारा उसे, और क्यों मारूंगा मैं उसे? ताकि तू मीना को अपने घर ला सके और वो हम सब भाइयों में बढ़ जाए। आपको क्या लगता है साहब जी कि मैं मीना को, मेरी मीना को अपने भाइयों के साथ बांटूं? बस एक दीपा ही थी जो सब सच जानते हुए मेरा साथ दे रही थी। साहब जी मैं क्यों मारूंगा उसे? क्या क्या बताती थी दीपा तुम्हें? तुमने कहा तुम दोनों आपस में हर बात बांटते, कोई ऐसी बात जो बहुत जरूरी हो दीपा और तुम्हारे भाइयों के बीच? देखो तुम चाहते हो ना कि दीपा का तुम्हारे दोस्त के कातिल का पता लग सके, तो बताओ। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे साहब जी। सोमो और दीपू तो एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और चरणजीत? भैया तो अपनी धुन में रहते थे। हाँ शायद उन्हें बुरा लगता होगा कि हम दोनों भाई दीपू के ज्यादा करीब हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं। वो है ही ऐसे। कभी लगा नहीं कि चरणजीत गुस्सा है इस बात पर? तुम्हारे और दीपा के बीच कैसे संबंध थे? साहब जी ये तुम्हारी निजी बातें हैं जी। जब तक दीपा जिंदा थी ये निजी बातें थी, दीपा के कत्ल के बाद ये निजी नहीं रही। समझ में आया तेरे? अभी मेरे बातों का सही सही जवाब दे, तुम्हारे और दीपा के बीच कैसे संबंध थे? जी कहने को तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, हर घर वाले थे बीवी दी तरह। मैं उसे बहुत चाहता था, पर वो साहब जी मुझे लगा कि वो हम तीनों के साथ एक जैसी ही थी। लेकिन सोमदेव विक्रम के ज्यादा करीब थी। मैंने देखा था उन्हें एक दूसरे से हंस हंस के बातें करना, गाने गाना, आंखों ही आंखों में इशारे करना, सब दिखता था जी।
मैं भी यही चाहता था कि वो मुझे भी उनकी तरह देखे, प्यार करे, हंस के बातें करे। हक था मेरा, मैंने उसे छीनने की नहीं पाने की कोशिश की। ना आज रहने दे, चल आज बातें करते। अरे चल बातें नहीं करनी ना, तू मुझे आज गाना सुना दे। अरे बहुत अच्छा गाना गाती है तू, मैंने खुद सुना अपने कानों से। नहीं मैं थक गई हूँ। पर वो उसे मेरा छूना भी पसंद नहीं था और इसलिए तूने उसे मार दिया। हाँ आपको अब भी लगता है कि मैंने मारा है उसे? दीपा को प्यार करता था जी मैं उसे। प्यार नहीं जुनून, जुनून सवार था तेरे सर पर दीपा के प्यार को पाने का। और कई बार जब यह जुनून एक तरफा हो ना तो उसे नफरत में बदलते देर नहीं लगती जी। मैं उसे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। जिस वक्त दीपा की मौत हुई तू कहां था? जी मैं कथा सुनने गया था, माता जी को साथ लेकर गया था। जी जी कथा सुन रहे थे मैं और चरण। ये बेटा मेरा बड़ा ही ध्यान रखता है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है मेरा, ये बहुत संस्कारी है जी ये। बाकी वो जो दूसरे हैं सोम और विक्रम, वो तो जी बहुत बेकार है। बस यही है बच्चा जो माँ का ख्याल रखता है जी। ये एक ऐसा मामला बन गया था जिसमें कई संदिग्ध बातें सामने आई। वो भाई जिसे प्रथा को अस्वीकार करने वाली बहन पर गुस्सा था, वो पति जिसे किसी और से शादी करनी थी, या वो पति जो ईर्ष्या की वजह से किसी भी हद तक जा सकता था, या वो खानदान जो सुमन के शादी तोड़ने की वजह से अपमानित महसूस कर रहा था। क्या कातिल इनमें से ही कोई था या फिर कोई और? सर फोन रिकॉर्ड्स कुछ आ गए हैं, कुछ बाकी। ओके अच्छा सुनो, मुझे दीपा के भी सारे फोन रिकॉर्ड चाहिए। मंगवाएं सर। सर ये देखिए। लेकिन जब दीपा की मौत हुई तब तो ये उसके साथ नहीं था। जिसने इसे देखा है ना उससे भी चेक करवाओ, इसका फोटो सर्कुलेट कराओ और ये पता लगाओ कि क्या स्टेशन के आसपास उसे किसी ने देखा है। यस सर। अरे सुनो। हाँ सर। इस आदमी को पहले देखा है कभी? हाँ सर। ये इस लड़की के साथ देखा था? हाँ जी हाँ जी, ये दोनों ही पुल के तरफ गए थे। सब्जी सब्जी फिर मुझ पे शक क्यों कर रहे? मजा पूछना चाहता है ना? हाँ मजा पूछता है। चल आज मैं तुझे कई सारी वजह बताता हूं। वजह एक, दीपू की मौत के वक्त तेरी फोन की लोकेशन वहीं ट्रेस हुई जहां दीपू को आखिरी बार देखा गया था। वजह दो, इस आदमी का बयान जिसने तुझे दीपू के साथ पुल की तरफ जाते हुए देखा था। वजह तीन, तेरा झूठ। तूने कहा था ना कि तू अपनी माँ के साथ कथा सुनने गया था? झूठ बोल रही थी ये अपने होनहार बेटे को बचाने के लिए। अब सही सही मेरी बातों का तू जवाब दे दे, नहीं तो तेरी इतनी खाल उधेड़ूंगा कि इस घाटी में तेरी चीखों की गूंजे सुनाई देंगी। बोल। प्यार करता था साहब जी मैं उसे, पर उसे मुझसे घिन आती थी। उसका फर्ज था कि हम सबको बराबर प्यार करें, किसी से कम ना किसी से ज्यादा। पर उसने मुझे सोम और विक्रम जितना प्यार नहीं दिया, मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया। पर जब मैंने उसके प्लान के बारे में सुना मुझसे रहा नहीं गया साहब जी। दीपू दीपू क्या हुआ बताओ तो सही। मुझसे अब और नहीं होता। कल रात चरण जी फिर से आए थे मेरे कमरे में, मुझे छूने की कोशिश की उन्होंने। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मानो मेरा बलात्कार हो रहा है। अब बस एक ही रास्ता है,
हम भाग जाएंगे। जब तुम घर से वापस आओगी मैं तुम्हें लेने खुद आऊंगा। हम शिमला जाएंगे और वहां से दिल्ली। वहां मेरा दोस्त रहता है, अब सब कुछ मैं संभालूंगा। अब बस बहुत हो गया। थे ना? हाँ वही आने वाला था पर उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ वो पास के अस्पताल में भर्ती है। चलती चलो। चलिए। क्यों रुक गए? चलिए ना, मुझे सोम जी की बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें कभी मेरी चिंता नहीं होती ना? हाँ? हाँ? तुम्हें कभी मेरी चिंता नहीं होती ना? क्या कर रहे हो? छोड़ दो। फिर तूने उसे मार दिया। सोम को क्यों नहीं मारा? वो भी तो उससे बहुत प्यार करता था। हाँ? तेरा भाई था ना इसलिए। उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती दीपू की थी। उसका धर्म था कि हम तीनों से बराबर प्यार करें, बराबर ध्यान रखें, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। गलती दीपू की थी। अकेले चरणजीत की गलती नहीं है, गलती आप सब की है, क्योंकि आपने इस प्रथा में हिस्सा लिया है, उसे बढ़ावा दिया है, सजा आप सबको मिलनी चाहिए। ये कैसी प्रथा है जो इंसान की भावनाओं को उलझाकर तोड़ मरोड़ कर रख दे? क्या फायदा ऐसी प्रथा का जो उससे जुड़े सभी लोगों का जीवन बर्बाद कर दे? जो इस अनुचित नींव पर टिकी हो कि एक औरत उससे विवाहित सभी पुरुषों के साथ एक समान प्यार करे, ये कैसे मुमकिन है? वक्त आ गया है कि हम ऐसी निरर्थक और हानिकारक प्रथाओं से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लें। समय आ गया है कि ऐसी गलत प्रथाओं में विश्वास रखने वाले दीपू और उसके जैसी न जाने कितनी ही बदकिस्मत लड़कियों की कहानियों से कुछ सीखें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.